जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर। मैं हूं सुभाष शेखर और जहां पर मैं हूं आप देख सकते हैं कि यहां पर पहले बीजेपी का एक बैनर हुआ करता था, अब इसे उखाड़ दिया गया है। और मेरे पीछे साइड जो जगह है यहां पर बीजेपी का एक इलाके का कांके का एक दफ्तर हुआ करता था, अब यहां से पोस्टरों को हटा दिया गया है। ऐसे में हमारे साथ हरिनाथ साहू हैं, ये अब पार्टी से त्यागपत्र देने का ऐलान कर चुके हैं। इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि ये इन्हीं का दफ्तर हुआ करता था। हरिनाथ जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। ये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बीजेपी से अपने पद से सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, क्या वजह रहा? वजह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही उत्साहित होकर के जुड़ा था 2016 में। राष्ट्र निर्माण में एक छोटा सा सहयोग के लिए अंत्योदय, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत कहा जाता था, तो मुझे भी लगा कि भाई इस दल में आ करके मैं राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान और अंत्योदय पर भी अपना समर्पण कर सकूं। इसी तर्ज पर मैंने पिछले 6-7 वर्षों से लगातार, सभी लोग जानते हैं कि मैं निस्वार्थ भाव से, निष्ठा भाव से पार्टी को सींचने का काम किया। मेरे नेतृत्व में 400-500 लोग का आज तक हमने सदस्यता भी करवाया और लोगों को दिन रात कह सकता हूं कि 24 घंटा पार्टी हित के लिए, पार्टी का विस्तार के लिए, राष्ट्र के निर्माण में जिस प्रकार अभी हम लोग का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति हो रहा है, तो मुझे लगा कि मैं इसका हिस्सा बन करके और आगे भी जीवन काल तक जुड़ा कर रहूँगा। लेकिन मुझे जब प्रदेश कार्य समिति प्रथम कार्यकाल में रहा, बहुत अच्छा कार्यकाल मेरा रहा, ओबीसी मोर्चा का जब प्रदेश में टीम में था, बाद के दिनों में मैंने प्रदेश अध्यक्ष के से आग्रह करते हुए कि भाई मुझे जिला में काम करना है, जब जिला टीम में आया तो शुरुआत के एक वर्ष तक, चूँकि उस समय कोविड-19 का समय था, सेवा में हम लोग सभी निरंतर सभी का सहयोग मिल रहा था, पता नहीं चला। लेकिन बाद के कालखंड में एक साल बाद में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी रांची जिला ग्रामीण की बैठकों में मेरे साथ भेदभाव होने लगा, चूँकि हम जिस समुदाय से, जिस समाज से आते हैं, वो एक जागरूक समाज नहीं है, वो एक बंधुआ वोटर समाज है, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना बंधुआ वोटर समझता है। हमारे लोगों को राजनीतिक भागीदारी, हमारे लोगों को दायित्वों में सम्मान देना जरूरी लोग नहीं समझते हैं। शुरुआत में मैं इन बहुत सारे अपने ऊपर हुए अपमानजनक क्रियाकलापों को मैं नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन बाद के दिनों में कई ऐसी घटनाएँ मेरे साथ घटा जहाँ पर मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी रांची जिला ग्रामीण परिवार मेरे साथ खड़ा होगा, लेकिन हर बार मुझे धोखा ही मिला। अभी हाल के आज आप पार्टी छोड़े हैं, त्यागपत्र दे दिए हैं, आपके साथ कितने समर्थक हैं? हमारे साथ अभी 30-35 लोग अभी सदस्यता ग्रहण किए हैं, 30-35 लोग पार्टी से त्यागपत्र दिए हैं और कई लोग को, चूँकि हमने सार्वजनिक नहीं कर पाया था इस कार्यक्रम के विषय में या त्यागपत्र के विषय में, रात में मैं लगभग 12 बजे रात को जब मैं एक फेसबुक पोस्ट किया कि अलविदा भाजपा, तो कई लोगों ने मुझे फ़ोन से संपर्क रात में भी करने का प्रयास किया, सुबह से कर रहे हैं, उन लोग भी अपना इच्छा जाहिर किया है कि हम लोग को भी अगर पहले से बताए रहते तो हम लोग भी, चूँकि बहुत लोग रांची में नहीं भी हैं, बाहर भी हैं और कुछ लोग ठीक प्रकार से समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो मुझे बोला है सब संपर्क करेंगे और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी से लोग रिजाइन करेंगे, त्यागपत्र देंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक लोकतंत्र है, जो जिस विचारधारा के तहत ये पार्टी चल रही है, वो कहीं ना कहीं एक जातिवाद और सामाजिक तुष्टिकरण का शिकार होता जा रहा है। कांके जो है एक ग्रामीण क्षेत्र है और कांके विधानसभा के ज़्यादातर वोट गाँव में रहते हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान है क्योंकि ये बीजेपी का सिटिंग सीट है? देखिए, कुछ ऐसी परिस्थितियां चुनाव के समय पैदा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर, लेकिन हकीकत सभी लोग समझ रहे हैं कि जितना जो बहुसंख्यक पिछड़ा वर्ग है या दलित आदिवासी वर्ग है, दबे कुचले वर्ग है, उनका मोह भंग हो चुका है, वो लोग समझ चुका है कि ये सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम सबों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम लोग राजनीतिक भागीदारी से वंचित किया जाता है, हमारे लोग को हिंदू मुसलमान और धार्मिक उन्माद पैदा करके हमारे वोट को ठगने का काम हो रहा है हिंदुत्व के नाम से। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो ग्रामीण क्षेत्र है विशेष करके, अब लोग पढ़ लिख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, अब राजनीति का
षड्यंत्र नहीं चलेगा। अगर समय रहते भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांतों पर वापसी नहीं करती है तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारी इसको नुकसान झेलना पड़ेगा। आपने कहा कि पार्टी में मान सम्मान नहीं मिला इसलिए पार्टी को छोड़े, अब आपके त्यागपत्र के बाद त्यागपत्र स्वीकार नहीं होता है और आपको मनाने की कोशिश किया जाता है और आपको सही सम्मान मिलता है, तो फिर वापस जाएंगे पार्टी में? देखिए, मैं कोई भी निर्णय तत्काल या आवेश में या जज्बाती होकर नहीं लिया हूँ। मैं पिछले लगभग 7 वर्षों से अलग अलग दायित्वों में, अलग अलग प्रभार में मैंने काम किया है और मैं बहुत करीब से, नज़दीक से इनके सिद्धांतों को, इनके विचारधाराओं में जो भेद है, जो पार्टी का जो नीति सिद्धांत है वो निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की तर्ज पर चलने का है, अंत्योदय चल, लेकिन जो स्थानीय नेतृत्व है, जिला कमेटी का नेतृत्व है, मंडलों का नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, इसमें बहुत भेदभाव है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार रघुवर दास जी के समय में पिछड़ों को सम्मान मिल रहा था, आज वर्तमान में बहुत सारा ऐसा स्थिति है। इसलिए मुझे ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, लोग अपने जो समर्थक है वो लोग कह रहे हैं कि भाई वापसी करना है या फिर से एक बार विचार किया जाए, लेकिन मैंने बहुत विचार गहन मंथन करने के बाद ही निर्णय लिया हूं। इसलिए मैं अभी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, गांव-गांव में लोगों को राजनीतिक चेतना जगाने काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र के बारे लोगों को बताने काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के। हम बात कर रहे थे हरिनाथ साहू जी से, जो अपने समर्थकों के साथ आज बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया है और ये जो कहाँ के एरिया है, जिनके यहाँ के नेता हैं, चेहरा है हरिनाथ साहू, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है और आने वाले दिनों में देखना ये दिलचस्प होगा कि हरिनाथ साहू आगे किस राजनीतिक पार्टी का दामन थामेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।